नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 77, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के बारे में दूंगी, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको इस फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार आप इसका अध्ययन जरूर करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है। जहां पर इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी एक्सप्लेन करने की, वहां पर मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सैंदर सभ्यता के स्थल व नदी के संबंध में सही सुमेलित है। यहाँ पर इंडस वैली साइट्स दी गई हैं आपको और रिवर के नाम दिए गए हैं और बोला गया है कौन सा सही मैच्ड नहीं है। तो सबसे पहले मांडा की बात की गई है, मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी की, एकदम सही है। दैमाबाद की बात करेंगे तो दैमाबाद किस नदी के किनारे है, परवरा नदी के, एकदम सही है। लोथल की बात करेंगे, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के, एकदम सही है। भगवानपुरा की जब हम बात करेंगे तो भगवानपुरा दाशक नदी के किनारे नहीं है, भगवानपुरा किस नदी के किनारे है बताइए, सरस्वती नदी के किनारे, ये चीज आप याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं हरप्पा, हरप्पा साइट किस नदी के किनारे है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है बताइए, इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। और कौन सा साइट है, कालीबंगन की अगर हम बात करें, कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के, ठीक है। रोपर किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है, आलमगीरपुर की अगर हम बात करेंगे, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो ये हिंडौन नदी के किनारे है। और ये परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, मेरठ में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार एवं द्रव्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। जब कन्या की विदाई होती थी तो उसको जो गिफ्ट और मनी दिया जाता था उस समय, तो वैदिक पीरियड में उसके लिए कौन से टर्म का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए, वह तो लिखा है, करम्ब लिखा है, अमाजु लिखा है और निष्क लिखा है। जब इसके लिए आपका टर्म जो यूज किया जाता है वह है वहतु, ठीक है, वहतु। अमाजु की अगर हम बात करें तो जो लड़कियां शादी नहीं करती थी, जीवन भर कुंवारी रहती थी जो कन्या, उनके लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया जाता था। और निष्क शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द ज्वेलरी के लिए, आभूषणों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यहां पे आपको जैन ग्रंथ दिए गए हैं और रचनाकार के नाम दिए गए हैं, ऑथर के नाम दिए गए हैं। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं क्लास। सबसे पहले आपको किसका नाम दिया गया है, द्रव्य संग्रह का। जब हम द्रव्य संग्रह की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया गया मलिकसेन के बारे में, ठीक है, मलिकसेन के बारे में, ये आपका गलत है।
द्रव्य संज्ञा की रचना किसने की है? नेमी चंद्र ने की है। इसको सही करिए, नेमी चंद्र द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, यहाँ पे न्याय अवतार की बात करें तो सिद्धसेन दिवाकर द्वारा इसकी रचना की गई है, जो कि एकदम सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी बी होगा, क्योंकि सही सुमेलित पूछा गया है। परिष्टि पर्वन की अगर हम बात करें तो इसकी रचना किसने की है? परिष्टि पर्वन की रचना की है, बताइए किसने की है? हेमचंद्र ने की है, हेमचंद्र ने की है। और जब हम बात करेंगे कल्प सूत्र की, तो कल्प सूत्र की रचना किसने की है? ये तो बहुत ही फेमस नाम है, भद्रबाहु ने। तो ये सारे नाम आपको ज्ञात होने चाहिए, तो बी आपका सही उत्तर है। जब आप व्याख्या में देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, न्याय अवतार की रचना किसने की है? सिद्धसेन द्वारा की गई है। द्रव्य संग्रह की रचना नेमी चंद्र द्वारा की गई है। पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद्र द्वारा की गई है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कल्प सूत्र की, तो कल्प सूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। ठीक है, अगर पेपर में ये आपसे पूछता है कि कौन से जैन ग्रंथ में जो आपके जैन तीर्थकर थे उनकी जीवनियां मिलती है, तो आप याद रखेंगे कल्प सूत्र में। ठीक है, जो जैन तीर्थकर थे आपके, उनकी जीवनियां कल्प सूत्र में मिलती है, जिसकी की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं, चौथे प्रश्न को। यहाँ पर क्या लिखा है? अशोक के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिले में राजस्व वसूली का कार्य करता था? तो जिले में रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य कौन करता था? पेपर में यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जब भी हम जिले में रेवेन्यू कलेक्शन की बात करेंगे तो ये किसका कार्य था? युक्त का कार्य था। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अशोक के तृतीय शिलालेख की अगर हम बात करें, जो अशोक का तृतीय शिलालेख है, ठीक है, जो थर्ड शिलालेख है, उसमें उन्होंने तीन पदाधिकारियों की बात की है। तो याद रखिएगा, तृतीय शिलालेख है और तीन पदाधिकारियों की बात की है। ठीक है, सबसे पहले युक्त की बात की है। युक्त क्या करता था? ये एक जिले का अधिकारी होता था जो कि राजस्व वसूली करता था, रेवेन्यू कलेक्शन करता था। इसके बाद हम राजुक की बात करते हैं। राजुक जो था वो पहले राजस्व विभाग का ही कार्य करता था, लेकिन बाद में उसको न्यायिक अधिकारी भी बना दिया गया था। और फिर प्रदेशिका की बात की है, मंडल का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? प्रदेशिका कहलाता था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या है? तो सारनाथ अभिलेख की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें अशोक का नाम क्या है? धर्मशोक है। ठीक है, याद रखिएगा धर्मशोक। और सारनाथ की हम बात करते हैं, सारनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और याद करिए, मैंने आपको एक और प्रश्न इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कराया था कि अगर पेपर में कभी आपसे पूछा कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्लास पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन से कर भूमि उत्पाद से संबंधित थे? तो सबसे पहले खराज दिया गया है। खराज जो था वो भूमि कर था, लेकिन ये भूमि कर आपके गैर मुसलमानों से लिया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम उष्ण की बात करें तो ये भी एक भूमि कर हुआ करता था, लेकिन ये मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, जब हम बात करते हैं जकात की, तो जकात आपका जो कर था वो आपका धार्मिक कर था, ये चीज याद रखिएगा, ना कि आपका भूमि कर था, इसी वजह से ये आपका गलत हो जाता है। फोर्थ आपका गलत क्यों है? क्योंकि ये एक धार्मिक कर हुआ करता था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है कि जकात एक धार्मिक कर था, तो आप तो सीधे आंसर पे आ सकते हैं, एक दो तीन। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार व्याख्या, जब भी हम उष्ण की बात करते हैं तो मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले भूमि कर को उष्ण कहा जाता था। ठीक है, खराज कर गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला भूमि कर था। जकात की बात करें तो ये एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था। खम्स की बात करें तो खम्स अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका लूट में प्राप्त धन अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन पर वसूल किए जाने वाला कर था। तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है क्लास, इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो सही उत्तर आपका ए था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न।
ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये किस वर्ष में की गई थी? 1889 में, 1890 में, 1891 में कि 1892 में? और इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो है 1889 में, ठीक है, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा क्लास, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में की गई थी, तो ये आप याद रखेगा। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले, ठीक है, कि ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1889 में की गई थी, ब्रिटेन में की गई थी। और जब ब्रिटेन में की गई है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ब्रिटेन में जनता के बीच भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, जिनके प्रति भारत सरकार जिम्मेदार थी। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन के आपके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरवर्थ थे इसके पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा आप इस चीज को। और अगर पेपर में आपसे पूछा कि इसके पहले सचिव कौन थे, तो विलियम डिग्बी, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में भारत में हुआ है ना, और इसकी पहली जो पहली मीटिंग थी वो कहां पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? उमेश चंद बनर्जी ने की थी। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए सातवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था बताइए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, फिर अश्विनी कुमार दत्त दिया है, प्रचार आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय दिया है, और फिर मुकुंद दास दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? अश्विनी कुमार दत्त द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में एक और कौन सी घटना हुई थी? बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। और 1905 में ही स्वदेश बांधव समिति का गठन भी हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए आठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो सबसे पहले आपको मित्र मेला दिया गया है। मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। किसके द्वारा हुई थी बताइए? यहाँ पर आपके सावरकर बंधु थे, ठीक है। अभिनव भारत की हम बात करेंगे तो अभिनव भारत की स्थापना 1905 दिया गया है, जो कि आपका गलत है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, ठीक है, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सावरकर ब्रदर्स द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें तो अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ है? 1902 में हुआ है, जो कि आपका सही है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया गया है, तीसरा नहीं चौथा आपका दिया गया है, और आखिरी आपको दिया गया है आपको उन्नति समिति, जिसका की गठन 1903 में हुआ है, ये भी सही है। तो इसमें नॉट करेक्टली मैच बोला गया था, इस वजह से आपका बी सही है। आप याद रखिएगा मित्र मेला का गठन सावरकर ब्रदर्स द्वारा किया गया था 1899 में, जो कि आगे चलकर अभिनव भारत में जाकर मर्ज कर गई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभिनव भारत वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी थी। अभिनव भारत की दो शाखाएं थी, एक महाराष्ट्र के अलावा, दूसरा आपका कहाँ पे था? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी, ये याद रखिएगा। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध थे, ठीक है, कौन कौन से उपबंध थे इसमें बोला गया है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या दिया गया है? संघात्मक सरकार की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो कि आपका बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिर दूसरा दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक है। और तीसरा आपको दिया गया है
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। थर्ड तो आपका बिल्कुल गलत है, तो थर्ड को अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ए। यहाँ पर पहला और सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है क्लास, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियंस तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। ये भी चीज आप याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर मैं क्यों इसको हाईलाइट करी, क्योंकि पेपर में प्रश्न बनेगा किसको किसको पृथक 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 प्रतिनिधित्व मिला था, और यहाँ पर आपको दे देगा जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको भी मिला था, जैन को भी मिला था, ठीक है, महिलाओं को मिला था। तो आप याद रखिएगा कि क्या क्या बताया गया है, आपको अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है, मुसलमान के बारे में बताया गया है, सिख के बारे में बताया गया है, यूरोपीय के बारे में बताया गया है, भारतीय ईसाई जो थे उनके बारे में बताया गया, एंग्लो इंडियंस के बारे में बताया गया है, और मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, भारतीय मुसलमानों के बारे में बोला गया है, ठीक है, महिलाओं के बारे में इसमें नहीं मेंशन किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना हुई थी। पेपर में प्रश्न पूछता है कि द्वैत शासन प्रांतों में किस एक्ट के थ्रू लगाया गया था, तो आप याद रखेंगे 1919 के एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो द्वैत शासन था उसको प्रांतों में लगाया गया था, और किस एक्ट के थ्रू द्वैत शासन को प्रांतों में आपके खत्म किया गया, तो 1935 एक्ट के थ्रू, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है इसलिए आपको बताया जा रहा है। अब प्रोविंस में द्वैत शासन को आपके खत्म करके सेंटर में लगा दिया गया था, ये भी चीज आप याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना किसके थ्रू हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। देखिए केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, जो मैंने आपको बताया सेंटर में लगा दिया गया द्वैत शासन, और प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, और यहाँ पे स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। और अगर पेपर में आपसे पूछा कि प्रांतों में द्वैत शासन किस एक्ट के थ्रू लगाया गया, तो आप याद रखेंगे 1919 एक्ट के थ्रू, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दसवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समांतर सरकारों की स्थापना कहां कहां पर हुई थी, इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। पैरेलल गवर्नमेंट की बात की गई है, जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आपका चल रहा था, तो उस समय कुछ ऐसी आपके जगह भी थी जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी, तो वो कहां कहां था। जब हम बात करते हैं तामलुक की, ठीक है, तो याद रखिएगा तामलुक जो है वो आपका बंगाल में है, यहाँ पर तामलुक दिया गया है, ये कहां पर है, बंगाल में है, और यहां पर दिसंबर 1942 में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, ठीक है। बलिया की बात करें तो सबसे पहले बलिया में अगस्त में ही 1942 में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी। सतारा की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 1943 में आपकी पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप याद रखिएगा सबसे पहले बलिया में, तो अगर आपको पता होगा सबसे पहले बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, समांतर सरकार की स्थापना की गई, तो आप प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, यहाँ पे कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया था, ये भी आप याद रखिएगा। जब भी हम बलिया की बात करते हैं, बलिया में किसने नेतृत्व किया था, ठीक है, चित्तू पांडे ने, याद रखिएगा। तामलुक की बात करें जो कि मिदनापुर में है बंगाल में, यहाँ पर आपकी जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सतारा की बात करें तो 1943 के मध्य हुआ था, और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट आपकी फॉर्म हुई थी, समांतर सरकार आपकी फॉर्म हुई थी, और इसके जो प्रमुख नेता थे आपके वो कौन थे, वाईवी चौहान थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धस जाता है तो निम्नलिखित में से इसे क्या कहते हैं। अब क्लास समझिए, यहाँ पर इस तरीके से ये धस जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे था आपका और ये धस गया नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है, ये नीचे धस गया, तो इस तरीके के
स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है। ए आपका सही उत्तर होगा, भ्रंश घाटी। यहां पर देख लीजिए पहले आप, जब समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब क्लास यहां पर एक और प्रश्न है, द लैंड बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्स सब्सिडिंग इनटू अ डिप्रेशन इज कॉल्ड। अब यहां पर क्या बोला गया है, अ लैंड बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्ट, जो फॉल्ट आपकी हो रही है यहां पर, जो लैंड आपका सब्सिडाइज हो जा रहा है इनटू अ डिप्रेशन, मतलब नीचे की तरफ धस जा रहा है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हॉर्स टर्म यूज करते हैं। इस तरीके से भी पेपर में प्रश्न बन सकता है, दो आपका सही है। अब यहां पर देखिए, लैंड बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्ट सब्सिडिंग इनटू अ डिप्रेशन इज कॉल्ड रिफ्ट वैली या फिर ग्रेबन, इसको कहते हैं, जो कि हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया। यहां पर भी जो दो पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में जो लैंड आपका जो है वो आपका ऊपर की तरफ उठ जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं या फिर हम इसको हॉर्स कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहां पर देख लीजिए, राइन वैली की अगर हम बात करेंगे या वॉसिस माउंटेन की बात करेंगे जो कि यूरोप में है, या फिर भारत में अगर हम बात करें विंध्या और सतपुरा की, तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जब हम अफ्रीकन रिफ्ट की बात करेंगे, बैकाल रिफ्ट की बात करेंगे जो कि रशिया में है, राइन रिफ्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, मतलब धस रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉल्ट है वो आपका राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे समझिए, ऐसे जमीन है आपकी, ठीक है। जब आपकी यही वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन को ले रहे हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश, ये नीचे की तरफ ऐसे धस जाएगा, देन इट विल फॉर्म अ रिफ्ट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्ट कहते हैं। अब यही पोर्शन जो है आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा है, सब्सिडिंग मींस नीचे की तरफ धस रहा है, ये याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 12वां प्रश्न अब हम देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बोला गया है। तो पोपा दिया गया है, किलिमंजारो दिया गया है, को सुल्तान दिया गया है, कोटोपेक्सी दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है डी, कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी जो है वो डोरमेंट या फिर साइलेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम बात करें कोटोपेक्सी आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये इक्वाडोर में पाया जाता है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो कि अभी सक्रिय अवस्था में है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो पोपा है वो भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। तंजानिया का किलिमंजारो आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। फिर ईरान की अगर हम बात करें, ईरान में जो को सुल्तान है वो भी आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो म्यांमार में पोपा, तंजानिया में किलिमंजारो, ठीक है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, को सुल्तान ईरान में है, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 13 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी की बात हुई है, तो देखते हैं साबरमती रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर की बात की गई है, घग्गर की बात की गई है, माही नदी की बात की गई है, माही रिवर की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा घग्गर, ठीक है, घग्गर की। अब यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं, यह नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है, ठीक है। उसकी कुल लंबाई जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहां कहां से होके गुजरती है ये देख लीजिए, अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है तथा हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आपको ये भी याद रखना है, साबरमती, नर्मदा, माही जो है वो अपना पानी कहां पे जाकर गिराती है, खंबात की खाड़ी में। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं, मालवा पठार का चंबल नदी का वह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो आपके चंबल रिवर का, जो चंबल, द एरिया आउटसाइड द
चंबल रिवर ऑफ द मालवा प्लाटू इज मोस्ट अफेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है गली इरोजन द्वारा। ठीक है, गली इरोजन द्वारा ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा व बहामा द्वीप निम्नलिखित में से किस प्रकार से निर्मित है। यहां पर जो बरमूडा और बहामा जो आपके जो आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशियन में है, अब देखिए पेपर में प्रश्न ये भी बन सकता है कि बरमूडा और बहामा जो द्वीप है वो किस महासागर में है, तो आप याद रखेंगे वो अटलांटिक ओशियन में है। तो वो कैसे निर्मित हुए हैं ये पूछा गया है। मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपसे कोरल रीफ के बारे में डिस्कस किया था, प्रवाल भित्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन आइलैंड के फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, देखिए अपरदन मूलक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, निष्पेक्ष मूलक द्वीप या प्रवाल द्वीप। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर होगा, एटॉल आइलैंड की बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर भी वॉटर है, इधर भी वॉटर है, लेकिन इधर आपको एक बैरियर की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये कोरल रीफ द्वारा बनाया गया बैरियर है, ये चीज याद रखिएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एटॉल कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम एटॉल आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर क्या, इधर पानी है, इधर पानी है, लेकिन इधर एक बाउंड्री की तरह है जो कि आपके कोरल रीफ के द्वारा बनाई गई है, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। 15 अप्रैल 1980 को हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक शामिल नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा बैंक नहीं शामिल था, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर कॉर्पोरेशन बैंक। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है सी। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं शामिल था। देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं 15 अप्रैल 1980 की, तो यहाँ पर 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी की जमाएं जो डिपॉजिट थे वो 200 करोड़ से अधिक थे। इसमें आपके कौन कौन से बैंक आते हैं, आंध्रा बैंक आता है, पंजाब एवं सिंध बैंक आता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया आता है, विजया बैंक आता है, कॉर्पोरेशन बैंक आता है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आता है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं आता है। अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1969 में ही कर दिया गया था। लास्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट टेस्ट को देखा है तो वहां पे प्रश्न था कि बैंक का नेशनलाइजेशन किन किन वर्ष में हुआ था। वहां पर 1969 मैंने आपको बताया था और 1980 में। ठीक है, तो देखिए उसी प्रश्न पे बेस्ड इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, डायरेक्ट प्रश्न है। इसका चेयरमैन आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, यहाँ पर 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको योजनाएं दी गई है और वर्ष दिया गया है, तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। और बोला गया कौन सा सुमेलित है, तो सबसे पहले आपको डिजिटल विलेज स्कीम दिया गया है, डिजिटल गांव योजना दी गई है। डिजिटल गांव योजना की शुरुआत आपकी कब की गई थी, 19 दिसंबर 2016 में। ठीक है, तो यहां पर आपका ये सही है। निर्विक योजना की अगर हम बात करेंगे तो निर्विक योजना की कब शुरुआत की गई थी, 2020 दिया गया है जो कि आपका गलत है, ये 2019 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दीनदयाल स्पर्श योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2018 दिया गया है जो कि गलत है, इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी, 2017 में की गई थी। ठीक है, दीनदयाल स्पर्श योजना की 3 नवंबर 2017 में। अब यहाँ पे सौभाग्य योजना आपको दी गई है, सौभाग्य योजना की अगर हम बात करें तो सौभाग्य योजना 2017 में शुरू की गई थी। तो इसका मतलब इस प्रश्न में दो ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं क्लास, डिजिटल गांव योजना भी और सौभाग्य योजना भी। तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन सही है तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर सौभाग्य योजना 2017 में, ठीक है, दीनदयाल स्पर्श योजना 2017 में, निर्विक योजना 2019 में, डिजिटल गांव योजना 2016 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं, श्वेत क्रांति को गति देने हेतु ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। स्वामीनाथन,
डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जयप्रकाश नारायण आर रॉडन द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब दूध क्रांति से, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है। और इसका आपका इसको किसने किसकी लीडरशिप में हुआ था, वर्गीसी कुरियन की। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था जब भी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड पूछेगा, अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस में मिला है, पीस में मिला है, पेपर में पूछा जा चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो आप किसका नाम याद रखेंगे, एम एस स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको याद रखनी, हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में बोला गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहां पर आपका द्वितीय सही है, बी आपका सही है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न, कील उखाड़ने की मशीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यहाँ पे किस लिवर का एग्जाम्पल है, ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका है, ये फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल है, ए आपका सही हो। तो देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास लिवर की तो मैंने आपको बताया था जो फलक्रम होता है वो आपका बीच में होता है, इधर इनपुट एफर्ट होता है, इधर आपका आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनपुट कैची को जब एक तरफ से आप चलाते हैं तो बीच में ये जुड़ा रहता है और इधर की तरफ से ये काटता है, तो ये आपका आउटपुट है और बीच में आपका फलक्रम होता है। जब हम सेकेंड क्लास लेवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इधर से आप इनपुट एफर्ट डाल रहे हैं, इधर से आप इसको पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में मिडिल में लोड होता है। ठीक है, और फलक्रम किधर होता है, इधर एकदम आखिरी में। और जब हम थर्ड क्लास लेवर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इधर आपका क्या होता है, इधर आपका एफर्ट होता है, इनपुट फोर्स होता है, इधर फलक्रम होता है और इधर आपका आउटपुट होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप फिगर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अब जब भी हम नेल कटर की बात करेंगे तो नेल कटर कैसा होता है, इधर से आप नाखून काटते हो इस साइड से, देखिए मैं थोड़ा घटिया सा नेल कटर बना रही हूं लेकिन आप नाखून इधर से काट रहे हो। ठीक है, इधर से आउटपुट मिल रहा है, इधर से आप इनपुट दे रहे हो, उसको पकड़ के दबा रहे हो और बीच में ये ज्वाइंट जहां से है उसको हम क्या कह रहे हैं, फलक्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लास लेवर का एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक एक को देखते हैं हम, रेडियो एक्टिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हेनरी बेकुरल दिया है जो कि आपका एकदम सही है। कॉस्मेटिक किरणों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हैस व एफ विक्टर दिया है जो कि आपका एकदम सही है। एक्स किरणों की अगर हम बात करेंगे तो रोजन दिया है, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका नाम होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए फैराड का नाम। ठीक है, याद रखिएगा, तो डी आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपात के उदाहरण है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो सब्लिमेशन मतलब आप क्या समझते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में ना जाकर वो सीधे वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप इनको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके नेप्थलीन की बात करें तो ये भी शो करता है, अमोनियम क्लोराइड भी शो करता है, एंथ्रासीन भी शो करता है। तो यहाँ पर आपके तीनों सही, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, 24th प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्त
चाप के उपचार के लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए किस प्लांट का यूज किया जाता है? सर्पगंधा का, बबूल का, तुलसी का, नीम का। ठीक है, आपको पता है स्किन रोग हो जाए नीम का यूज कर लो, खांसी जुकाम हो जाए तुलसी का यूज कर लो। सर्पगंधा की जब हम बात करते हैं तो इसको आपके ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न देखिए जरा एक बार। थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के कारण इस ग्रंथि का फूल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, हाइपर एक्टिविटी और थायराइड ग्लैंड जब होता है तो उसके वजह से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सोपिथैल्मिक गॉयटर। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, गॉयटर कहीं पे लिखा है तो आप याद रखिएगा ये किस चीज से रिलेटेड है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आंखें जो होती है वो एकदम धसी धसी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है, गॉयटर देख के भी आप लगा सकते थे कि थायराइड ग्लैंड से यही रिलेटेड होगा। 26वां प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर क्या बोला गया है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा। तो लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो आपके थे अयंगर। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 27वां प्रश्न अब हम देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले इसके विषय में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है ये बोला गया है। दूसरा आपको बोला गया ये केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा है। देखिए क्लास, जब भी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन ये इसकी कार्यवाही केवल हम लोकसभा में ही कर सकते हैं। आपको पता है जो राज्यसभा होती है, जो अपर हाउस है वो परमानेंट हाउस होती है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, ठीक है, आप अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरे जितने भी आपके मंत्री हैं सबको रिजाइन देना पड़ेगा और आपकी सरकार गिर जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस होती है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, आप तो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, सरकार के प्रति, और अगर ये आपका पास हो गया तो जितने भी मंत्री हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एक सेंसर मोशन होता है, अगर आपको याद होगा मैंने ये डिस्कस किया आपसे सेंसर मोशन के बारे में भी टेस्ट में। सेंसर मोशन जो होता है वो किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लग सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेंसर मोशन किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लग सकता है, और अगर सेंसर मोशन पास होता है तो यहाँ पर सारे मंत्रियों को नहीं रिजाइन करने की जरूरत होती है, यहाँ पर खाली उस मंत्री को रिजाइन करना होता है जिसके खिलाफ ये पास हुआ है। चलिए ये चीज डिस्कस कर लिया हमने पहले भी। 28 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्य से ही किया जाता है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि खाली जो मेंबर्स होते हैं वो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं किस पार्लियामेंट्री कमिटी में? तो एस्टिमेट कमिटी में, लोक लेखा समिति में, लोक उपक्रम समिति में या विभागीय समिति में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है एस्टिमेट कमिटी में। जब भी हम एस्टिमेट कमिटी की बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और ये 30 मेंबर जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1950 में हुआ। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता, इसका प्रमुख कार्य वार्षिक बजट से संबंधित होता है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में ही किया जाता है, इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। चलिए 29 प्रश्न को देखते हैं, मंत्रिपरिषद की बात की गई है, मंत्रिपरिषद के सदस्य
व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो क्लास यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है, मंत्री परिषद की बात की गई है और बोला गया पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे खाली पूछा होता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब वो बात दूसरी होती आपकी, तब आप लोकसभा करते। लेकिन यहाँ पे पर्सनली शब्द जो लगा दिया है, व्यक्तिगत लगा दिया है, तो राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली क्लॉज 2 में बोला गया। इसी के क्लॉज 3 में बोला गया है केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से, अगर कलेक्टिवली बोला जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो अक्सर जब भी कलेक्टिव बोलते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप लोकसभा टिक लगा के आएंगे। कई बच्चे पार्लियामेंट टिक लगा के आ जाते हैं, तो पार्लियामेंट में आपके लोकसभा राज्यसभा सब आता है, नहीं, खाली लोकसभा के लिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा। 30वें प्रश्न को देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किसमें किया गया है बताइए, अनुच्छेद 105 में, 106 में, 107 में या फिर 108 में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात आपके की गई है अनुच्छेद 105 में। देख लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 105 संसद तथा उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकार के बारे में है। संसद तथा उसके सदस्यों को प्रमुख विशेषाधिकार अधोलिखित है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको क्या क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का उत्तर था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर भाग दिया गया है और संबंध दिया गया है, पार्ट दिया गया है, तो कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है ये बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बोला गया है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यूनियन दिया गया है जो कि आपका सही है, यूनियन पार्ट 5 में है, एकदम सही है। यूनियन टेरिटरी की बात करें, संघ राज क्षेत्र की बात करें, भाग 8 में है, सही है। ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात करें तो 14 के ए में है, सही है। ठीक है, सही है ना क्लास। फिर इसके बाद जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपका किसमें है, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका इमरजेंसी होगा। ठीक है, इमरजेंसी होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए व्याख्या में, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, भाग 5 की बात करें तो यहां पर 52 से 151 तक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध दिए गए हैं भारत के संविधान 6-7-8, इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए 32nd प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राजभाषा का उपबंध संविधान के भाग 17 में किया गया है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि 17 में क्या बोला गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, जो कि यहाँ पर आपका गलत दिया गया था, 18 में दिया गया था। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है और 18 में इमरजेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। 33rd प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर देखते हैं इनकी शक्तियां क्या क्या है। रिट अधिकारिकता, एकदम सही है, रिट एम्पावरमेंट है। परामर्शी सलाहकारी अधिकारिकता, एकदम सही है। पुनर्विलोकन अधिकार, एकदम सही है, राइट टू रिव्यू, एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सी आपका सही उत्तर होगा, 1, 2, 3। अब यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम रिट की बात करते हैं तो आपको पता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या बोला गया है, कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, किसमें बोला गया है, आर्टिकल 32 में बोला गया है। आर्टिकल 143 की बात करें तो यहाँ पर आपका एडवाइसरी सलाहकारी
अधिकारिकता की बात की गई है, ठीक है, एडवाइसरी की बात की गई है, ये याद रखिएगा। तो जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है, तो वो सार्वजनिक महत्व का है अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति इस प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम रिव्यू की बात करें, पुनर्विलोकन की बात करें, तो ये किस में दिया गया है, 137 में दिया गया है, ठीक है। 137 में क्या बोला गया है, 137 अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है, राइट टू रिव्यू है। 34th प्रश्न को अब हम देखते हैं, राज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जाना निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। अगर राज्यपाल चाहे, गवर्नर चाहे, तो वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के एसेट के लिए रख सकता है, ठीक है। तो ये किस पावर में आता है, तो ये विधायी शक्ति में आता है, न्यायिक शक्ति में आता है, विवेकीय शक्ति में आता है, या फिर कार्यपालिका शक्ति में आता है। तो ये आपका विवेकीय शक्ति में आता है, ये गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वविवेक से आरक्षित कर सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो एडहॉक जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। इस प्रकार की नियुक्ति कब की जाती है, तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त गण पूर्ति नहीं होती और तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पर क्लास आप देखिए क्या क्या पॉइंट दिया गया है कि जब भी हम एडहॉक जजेस की बात करेंगे तो उनके बारे में आर्टिकल 128 में मेंशन किया गया है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। जब भी हम एडहॉक जजेस की बात करते हैं तो उनके बारे में आर्टिकल 127 में मेंशन किया गया है। तो पहला आपका गलत है, तब भी आप सही उत्तर पे आ सकते हैं, लेकिन और पॉइंट्स को हम देखते हैं। सच एन अपॉइंटमेंट इज मेड व्हेन देयर इज नॉट इनफ कोरम ऑफ जजेस टू कंडक्ट अ सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये एकदम सही है। जब कोरम आपका पूरा नहीं होता है तो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और ये कहां से इंस्पायर्ड है, फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो एक बार आप लोग इनका अध्ययन जरूर करिए, और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ ईश्वरा सिंह के साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है, रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद, आपका दिन मंगल।